दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम एक ऐसे फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस फंड के जरिए आप स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सिस बैंक, माइंडट्री, गैलेक्सी, टाटा एलेक्सिस, जेके लक्ष्मी सीमेंट, आरती इंडस्ट्रीज, ब्लू स्टार्स, ओरियंट इलेक्ट्रिक, बिरला सॉफ्ट जैसे 53 स्टार्टअप कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड लॉन्ग टाइम में आप अपनी वेल्थ गेन कर सकते हैं। और दोस्तों ये फंड अपनी कैटेगरीज का नंबर 3 रैंकिंग फंड है, जिसने लास्ट 1 ईयर्स में 89.82% के रिटर्न्स, और इस फंड ने अब तक के मैक्सिमम यहाँ पे रिटर्न्स दिए 472% के रिटर्न्स इसने दिए हैं। देन इस फंड के रिव्यू के बिहाफ पर हम चेक करेंगे इस फंड के बेसिक इन्फॉर्मेशन, ट्रेलिंग रिटर्न्स, पोर्टफोलियो एनालिसिस, रिस्क रेशियो एंड वीडियोस के एंडिंग में रहेगा हमारा कंक्लूजन इस फंड को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस फंड के बेसिक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो फंड है दोस्तों वो कैटेगरी वाइज एक स्मॉल कैप फंड है। इस फंड का एयू में है दोस्तों 5,434.93 करोड़। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर अनुपम तिवारी। अनुपम तिवारी इज इक्विटी फंड मैनेजर से एक्सिस एएमसी के। इन्हें दोस्तों आज 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आज ये 9,471 करोड़ और 13 स्कीम्स को मैनेज करते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.44%। अगर दोस्तों मैं इसका एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करूं अदर से स्मॉल कैप फंड से, तो आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप आज एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो और एक साल के पहले पहले अगर दोस्तों अगर आप इस फंड से 10% के यूनिट जो है आप अगर विड्रॉ लेते हैं, देन दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर आज इन्वेस्ट करके एक साल के पहले पहले अगर 10% के यूनिट से ज्यादा अगर विड्रॉ लेते हैं, देन दोस्तों यहाँ 1% का चार्जेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आप इस फंड्स में यहाँ पर मिनिमम SIP जो है वो 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर दोस्तों अगर आपको एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर लमसम अमाउंट यहाँ पर 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों ये जो फंड है वो 29 नवंबर 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था। अब तक अगर इस फंड्स की बात करें तो 8.5 साल के आसपास यहाँ पर इस फंड्स को हो गए हैं। इस फंड का दोस्तों बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। और दोस्तों टैक्स की बात की जाए तो दोस्तों अगर आप अगर इस फंड्स में आज इन्वेस्ट करते हो और एक साल के पहले अगर उस अमाउंट को अगर यहाँ पर विड्रॉ लेते हो तो आपके रिटर्न्स में यहाँ पर 15% का टैक्स लगेगा। अदरवाइज दोस्तों अगर आप इस फंड्स में इन्वेस्ट करके एक साल के बाद अगर आप विड्रॉ लेते हो देन 1 लाख प्लस के रिटर्न्स पर आपका 10% का टैक्स लगेगा एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों ये था इस फंड की कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। अभी दोस्तों हम बात करते हैं इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की, यानी कि जो फंड है वो किस तरह के यहाँ पे रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर इस फंड ने दोस्तों जो है 1 मंथ में यहाँ पे 6.81% के रिटर्न्स दिए हैं, 3 मंथ में यहाँ पर इसने 22.25% के रिटर्न्स, 1 ईयर में इस फंड ने दोस्तों यहाँ पर 91.33% के रिटर्न्स, 5 ईयर्स में इस फंड ने दोस्तों यहाँ पर 21.79% कंपाउंडिंग शेयर्स का रिटर्न्स, एंड जब से फंड स्टार्ट हुआ अब तक की अगर बात करूँ तो इस फंड ने जो है यहाँ पर दोस्तों 26.21% के एनुअलाइज कंपाउंडिंग शेयर्स का रिटर्न इस फंड ने दिए हैं। अगर दोस्तों मैं इसके रिटर्न्स को अगर मैं कंपेयर करूँ इसके कैटेगरी से और इसके इंडेक्स से, तो इस फंड ने दोस्तों अपने कैटेगरी स्कोर अपने इंडेक्स को काफी अच्छे से बीट किया है, यानी कि इस फंड ने जो है काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है शॉर्ट टर्म में भी, मिड टर्म में भी एंड लॉन्ग टर्म में भी। जहाँ पर दोस्तों इस फंड ने जो है लॉन्ग टर्म में यहाँ पर 26.21% के एनुअली कंपाउंडिंग शेयर रिटर्न इस फंड ने दिए है। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर चेक किया कि इस फंड ने जो यहाँ पर रिटर्न कैसे दिए, बट दोस्तों अभी हम यहाँ पर एक चेक करते कि इस फंड ने जो है रिटर्न्स के बिहाफ पर इस फंड ने जो है रिस्क कैसे लिया। तो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों इस फंड्स के रिस्क एंड वॉलेटिलिटी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आता है अल्फा। इस फंड का दोस्तों अल्फा है 10.41, जहाँ पर कैटेगरीज का अल्फा है दोस्तों 21.28। अल्फा दोस्तों हमें ये बताता है कि ये जो फंड है वो अपने इंडेक्स से कितना ज्यादा यहाँ पे रिटर्न दिया है। ओके, तो अगर इस फंड का अल्फा की बात करें तो इस फंड का जो अल्फा है वो काफी अच्छा है। ओके, और अल्फा जितना ज्यादा होगा फंड्स के लिए उतना ही अच्छा होता है। दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पर बीटा। बीटा दोस्तों हमें ये बताता है कि ये जो फंड है वो कितना वॉलेटाइल होता है। ठीक है, तो इस फंड का जो बीटा है दोस्तों वो है 0.78, जबकि कैटेगरी का है दोस्तों 0.92। ओके, और जिस भी फंड का दोस्तों बीटा जितना कम होगा उतना ही फंड के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है दोस्तों ये काफी कम वॉलेटाइल होता है। बीटा के साथ में दोस्तों हमें ये भी देखना चाहिए कि जो फंड वो कितना फ्लक्चुएट होता है। अरे फंड जो कितना फ्लक्चुएट होता है ये हमें बताएगा दोस्तों इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है दोस्तों 24.22, जबकि कैटेगरीज का है दोस्तों 28.21। ओके,
यानी कि दोस्तों ये जो फंड है वो काफी कम फ्लक्चुएट भी होता है एज कम्पेयर टू उसकी कैटेगरी के एंड इसके इंडेक्स के। ओके, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो दोस्तों हमें ये बताता है कि ये जो फंड है वो कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है। तो दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो है 0.93 और कैटेगरी इसका है 0.56। ओके, अगर मैं कंपेयर करूँ इसके कैटेगरी से तो इस फंड का जो शार्प रेशियो वो काफी अच्छा है, यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो है दोस्तों यहाँ पर वो काफी अच्छा यहाँ पर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है। अभी दोस्तों अगर ओवरऑल रिस्क वॉलेटिलिटी की बात करूँ तो ये जो फंड है दोस्तों यहाँ पर अपने कैटेगरी से अपने इंडेक्स से काफी अच्छा यहाँ पर रिटर्न्स दिया है। इस फंड ने दोस्तों काफी कम वॉलेटाइल होता है, ये जो फंड है काफी कम फ्लक्चुएट भी होता है और ये जो फंड दोस्तों काफी अच्छा यहाँ पर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी करता है। अगर इस फंड से अगर रिस्क टू रिवॉर्ड देखे तो काफी अच्छा है। दोस्तों इसके बाद में आता है दोस्तों मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट वॉलेटिलिटी दोस्तों आपको क्या बताता है? दोस्तों मार्केट वॉलेटिलिटी में हम यहाँ पर देखेंगे अपसाइड या डाउनसाइड, मतलब दोस्तों ये जो फंड है जब भी ऊपर गया तो कितना इसने हाईएस्ट रिटर्न्स दिया और जब भी इस फंड ने डाउनसाइड गया तो इस फंड ने कितने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। ओके, अगर अपसाइड रेशियो की बात करें दोस्तों तो इस फंड का अपसाइड रेशियो है दोस्तों 91 जबकि कैटेगरी क्या है दोस्तों 94, यानी कि ये जो फंड का अपसाइड रेशियो यहाँ पर थोड़ा कैटेगरी से कम है। ओके, लेकिन दोस्तों अगर डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो इस फंड का जो डाउनसाइड रेशियो यहाँ पर 60 है वहीं पर कैटेगरीज का 89 है, यानी कि ये जो फंड है दोस्तों अपने कैटेगरी से काफी कम यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। ओके, वहीं पर दोस्तों अगर ड्रॉ डाउन की बात करें यानी कि मैक्सिमम इस फंड ने कितने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं तो दोस्तों इस फंड ने जो है मिनी मैक्सिमम इसने दो है -30.20% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए जबकि कैटेगरी ने यहाँ पर -36.39% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। ओवरऑल की बात करो दोस्तों तो ये जो फंड है यहाँ पर से कैटेगरी से ज्यादा अबव रिटर्न्स तो नहीं दिए है इस फंड ने, बट ये जब मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स मार्केट में फॉल आया है, जब मार्केट में नेगेटिविटीज आई है तो इस फंड ने दोस्तों वहां पर कंट्रोल किया है और यहाँ पर अपने कैटेगरी से काफी कम बार है दोस्तों जो है वहां पर डाउन गया है। ओके, जो कि किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी चीज होती है। इसे कहते हैं दोस्तों हमें रिस्क टू रिवॉर्ड्स, जहाँ पर दोस्तों रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड्स हमें काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी की वजह से दोस्तों काफी सारे लोगों का ये फेवरेट फंड भी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस फंड के पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है? तो अगर दोस्तों इस फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो दोस्तों 24 और कैटेगरीज का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो दोस्तों 64.58। ओके, अभी दोस्तों जब भी आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको अज्यूम लेके चलना, आपको ये लेके चलना है कि किसी भी फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वो जितना कम होगा उतना ही फंड के लिए अच्छा होता है। बिकॉज पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो दोस्तों हमें ये बताता है कि फंड मैनेजर्स है जो कितनी बार अपने पोर्टफोलियोस में चेंजेस कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल दोस्तों अभी फंड मैनेजर्स बार बार स्टॉक्स बाय सेल करता रहेगा तो उसकी वजह से दोस्तों खर्चे काफी बढ़ जाते हैं, सेलिंग एंड बाइंग पर दोस्तों टैक्स बढ़ जाता है और ब्रोकरेज भी बढ़ जाता है। ओके, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे रिटर्न्स पर नेगेटिविटीज आ जाती है और हमें रिटर्न्स यहाँ पर अच्छे देखने को नहीं मिल जाता है और हमारा एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर बढ़ जाता है। देन दोस्तों हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, हमेशा देखना है दोस्तों किसी भी फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जितना कम होना चाहिए उतना अच्छा। तो यहाँ पर मैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखूं दोस्तों तो ये अपनी कैटेगरी से काफी कम है जो कि काफी अच्छी बात है। इसी के बाद में दोस्तों ये जो फंड है दोस्तों इक्विटी में इन्वेस्ट करता है 90.40% और ये जो फंड है दोस्तों FNO एंड फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करता है। और दोस्तों ये जो फंड है टोटल 53 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स में यहाँ पर 0.95%, मिड कैप स्टॉक्स में 8.22%, स्मॉल कैप स्टॉक्स में 72.02% एंड अदर स्टॉक में दोस्तों 9.21% इन्वेस्ट करता है। इसके बाद में दोस्तों हम इस फंड के पोर्टफोलियो समरी की बात कर लेते हैं। ओके, तो इस फंड का जो टॉप 5 स्टॉक्स वेटेज है 22.99%, टॉप 10 स्टॉक वेटेज है दोस्तों 39.01% एंड टॉप 3 सेक्टर वेटेज है दोस्तों 37.81%। और दोस्तों अगर इसकी एवरेज मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो इसका एवरेज मार्केट कैप है दोस्तों 4674.28 करोड़। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ इसकी कैटेगरी से तो इस फंड का जो एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफी कम देखने को यहाँ पर हमें मिल जाता है। और दोस्तों यही इस फंड के टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग जहाँ पर फंड मैनेजर्स ने दोस्तों इस टॉप 10 स्टॉक्स में यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज लेकर रखा हुआ है। दोस्तों ये था एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एक छोटा सा ओवरव्यू जहाँ पर दोस्तों हमने इस फंड के बेसिक इन्फॉर्मेशन, ट्रेडिंग रिटर्न्स, रिस्क रेशियो एंड पोर्टफोलियोस को यहाँ पर एनालिसिस किया।
फिर एंड ऑफ दिस वीडियो दोस्तों हमारा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर दोस्तों आप एक ऐसा फंड देख रहे हो जहां पर दोस्तों आप ज्यादा रिस्क लेकर के एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो दोस्तों, देन दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियोस में इस फंड को रखने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, आई पर्सनली दोस्तों मैंने भी अपने पोर्टफोलियोस में इस फंड को इंक्लूड किया है और मेरा भी दोस्तों इस फंड में काफी सारा पैसा इन्वेस्टेड है। अभी दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मैंने इस फंड्स में इन्वेस्ट क्यों किया, इस फंड ने मुझे अट्रैक्ट क्यों किया इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो दोस्तों अगर इस फंड्स की रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड्स ने यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ओके, एंड सेकेंड चीज दोस्तों इस फंड ने रिटर्न्स के बिहाफ पर काफी कम रिस्क लिया है, काफी कम यहाँ पर ये फंड जो वोलेटाइल हो और काफी अच्छी यहाँ पर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी ये फंड करता है। और दोस्तों ये जो फंड मैनेजर है अपने पोर्टफोलियोस में काफी अच्छे स्टॉक्स पिक किए हैं और इस फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वो भी काफी कम है, जिसकी वजह से दोस्तों जो है काफी खर्चे काफी कम हो जाते हैं। अगर दोस्तों अगर आप इस फंड्स में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो दोस्तों, तो अपस्टॉक के जरिए आप आसानी से दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, स्टॉक्स में एंड आईपीओस में इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों अब दोस्तों अगर आप हमारी लिंक के जरिए अगर अपस्टॉक्स में अगर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो दोस्तों, तो आपको यहाँ पर 499 रुपीस कैश भी मिलेंगे। लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों इस फंड्स के रिगार्डिंग दोस्तों अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है दोस्तों, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका कोई फेवरेट फंड है जिसका आप रिव्यू चाहते हैं, देन उसे भी दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके फंड को रिव्यू जरूर करेंगे। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में वीडियो जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, टेक केयर, बाय बाय।